आप सब इस चीज पे फैसला सुनाओ। तेजी से बहस करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। रोंग नंबर लग गया था। गलत कौन है? मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो मैं आ चुकी हूँ शोरूम और अभी हम लोगों ने जस्ट खाना खाया, बस बैठे हैं। प्रेजे का तो आज लेट आना होगा क्योंकि हेयर वॉश करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इधर आ गए हैं मेहमान हमसे मिलने, बड़े दिनों के बाद आए हैं। कपड़े लेते रहना बस, पैसे वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने कब लिया, कभी देखा है मुझे कपड़े लेते हुए? मैंने थोड़े ना अपने मन से लिया। पैसे से बहस करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना, इसलिए मत डालो, बचा लो अपना हाथ। चलो तो हम जूस भी कराते हैं, जूस पीने का टाइम आ चुका है। फोकट का पीने को मिलता ना क्रेजी का, तो हाँ क्यों नहीं पियेंगे। अगर मैं बोलती ना पिलाना तो नहीं, हराम में तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ये तो फिर और गन्ने का जूस है, अपन का फेवरेट है। एक मेरा भी है। चीयर्स। पागल औरत को अब तो तेरी आईडी भी ठीक हो गई। अब तो किस चीज का टेंशन है, पूरी पागल की पागल बेटी है। कल का टेंशन है मुझे, कल नहीं मैंने टेंशन लिया, आज टेंशन लिया। अच्छा कल का, आज मतलब किस्तों में लेती है ये टेंशन, ये सही है? किस्तों में टेंशन लेने का भी सही है क्या? हाँ यार, एक दिन में लेने में मजा नहीं आता ना। लोग जा रहे हैं घर, आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है। हमारे कूलर गया और मतलब उसका पंप चलना बंद हो गया, उसको करवाना है। क्रेजी को पीनट खाने की इच्छा हो गई, भूख लग गई थी। मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। तेरा ध्यान किधर है? तेरे पीनट इधर है। मेरा ध्यान आजकल मेरे बस में नहीं रहता। भाई कहाँ चले जा रहा? मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं है, कहीं कहीं दौड़ता है। किसी और के वश में तो नहीं है? हो सकता है क्रेजी किसी के वश में है। वो कहीं तू तो नहीं है? नहीं, काला जादू करने वाली मैं नहीं हूँ। ब्लैक मैजिक तो नहीं है? जो नहीं बोलता ना वही होता है। मैं हूँ अब नहीं मैं हूँ। किस किस को पीनट पसंद है बताना। मेरा खाना बन चुका है, रेडी है, अब हम लोग खाना खाएंगे। वैसे भूख तो नहीं लग रही है फिलहाल, थोड़ी देर से खाएंगे। क्रेजी तो अभी फ्रेश भी नहीं है, फ्रेश वगैरह भी हो गई थी। क्रेजी के हाथ के पापड़, मुझे बहुत बोला था ना जला देती है, ये कर देती है, क्या है ये? तो ये और कहाँ से ढंग, ये तो तेरे तले हुए, ये भी बता, और ये मेरे तले हुए सर, ये भी बता ना। तेरा खाना दाल चावल। हमारा खाना हो चुका है, अब खाएंगे पेन खजूर। क्या आपको भी खाना है क्या पेन खजूर? हाँ खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएंगे। उसका ढक्कन कहाँ है गाइस? दो ना ढक्कन भी, उसमें हम वो रखेंगे गुटली। एक अच्छी रसीली वाली निकाल दे। हाँ ये है मस्त। घर में कितनी हो रही सब, फेस पे 2 सेकंड के लिए पंखा बंद हुआ है सिर्फ। सबसे बड़ा अगर कोई मेरा फैन है तो वो है क्रेजी। आई एम राइट। जब देखो जब मेरे ब्लॉग देखना, जब देखो जब मेरे ब्लॉग। अरे क्या इतना भी यार, तो देखो कि नहीं एडिटिंग प्रॉपर कर रही है या नहीं, प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रही है या नहीं, प्रॉपर वीडियो दे रही है या नहीं, कहना गाइस। इसको सिखाना पड़ता है सब। अच्छा लगा।
नमस्ते। मैं चीजें ऐसे लाती हूँ, मेरा हेयर तो देखो कैसे कैसे हो गया। मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। ऐसा नहीं दीदी, हम भी पूरे वीडियो देखते हैं। अरे यार, आप लोग तो बुरा मान जाते हो। हाँ, सभी देखते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, सभी देखते हैं। बट मतलब वो ऐसे सेकंड मिनट लिखते हैं, ऐसा क्लियर हो जाता है ना थॉट कि हाँ ये एंड तक देखते हैं। बाकी सब देखते, थैंक यू सभी को। मस्का लगा दिया, बाहुरे कान बहुत सुना गया मस्का लगा। क्रेजी दी, मैं डेली व्लॉग देखती हूँ आपका पूरा। कल के वीडियो में मेरा नाम जरूर लेना दी प्लीज, बहुत अच्छा व्लॉग होते हैं। मैं वेट करके देखती हूँ रोज व्लॉग। आप बहुत अच्छी बात करते हो, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? दिव्या देवड़े। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर सपोर्ट एंड लव। हाय दी, मैं आपकी इंस्टा वाली फ्रेंड। वेरी नाइस व्लॉग। भगवान, मेरा कोई इंस्टा पर फैन है, सॉरी फ्रेंड है। इंस्टा से तो मेरा दूर दूर तक कोई बुला रहा है। रूही शाहू, नरसिंहपुर आना, अपन नाचते रहे। वही नरसिंहपुर है क्या? क्या थारो मारो प्यार हो तो नरसिंहपुर। वो तो निसरपुर है। निसरपुर है? नरसिंहपुर क्या है फिर? फर्स्ट टाइम सुना। निसरपुर है, सॉरी गाइस, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था, बट वो गलत थी, रॉन्ग नंबर लग गया था। हम भी देखते हैं बुरा तो, थैंक यू। नहीं मतलब ऐसा, हम सेकंड नहीं लिखते तो क्या पूरे वीडियो नहीं देखते? क्या एंड तक पूरा वीडियो देखते हैं? और क्रेजी दी ने बोला मस्का लगा दिया, सही बोला। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप नहीं देखते ये नहीं बोला। अरे कैसे बोलो आप, तुमने तो फंसा दिया मेरे को, इधर भी क्या करूँ क्या। मतलब आप लोग देखते हो, हम लोगों को माइंड में क्लियर था कि रेखा कुमावत मतलब एंड तक देखते, क्योंकि वो हर एक मिनट सेकंड लिखते थे ना, तो हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया था कि ये है बाबा जो पूरे ब्लॉग देखते हैं। हाँ ये पता है हमसे कब से जुड़े हैं, जब हम लोग बहुत कम सब्सक्राइबर पे थे, जब से रेखा कुमावत, क्यों ये नाम ही रट गया है। मतलब ऐसा नहीं, आप भी देखते हो उसके लिए थैंक यू सो मच, और देखते ही हो ऑफकोर्स, तभी तो आप कमेंट करते हो। कमेंट आते ना तो पता चल ही जाता है कि कौन वीडियो पूरा देख रहा है, कितनी ध्यान से देख रहा है। मेरा वर्ड पकड़ लिया, मस्का लगा दिया। तो आप सब भी देखते हो, कमेंट आते हैं तो क्लियर हो जाता है। बाकी जब हम बहुत कम सब्सक्राइबर पे थे ना, तो एक रेखा कुमार, रिंकी प्रजापति, मतलब ऐसे कुछ नाम याद हो चुके हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने उस टाइम से अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, आप लोगों का अपनी सपोर्ट है, इसीलिए हम आज इस जगह पर है कहीं ना कहीं। बट ठीक है, अब आप समझ जाओ हमारी फीलिंग, हमारे लिए सब बराबर हो। आप लोगों की वजह से ही हम आज इस जगह पे है, आगे भी आप लोगों की वजह से ही रहेंगे। तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू। सोनवानी महक, तो थैंक यू आपको भी। आप प्लीज माइंड मत करो उस बात को, आप सिर्फ मस्के वाली बात को माइंड करो। मस्का लगा दिया। बाकी सब छोड़ो। देखो हमारे पास फ्रिज तो है नहीं, तो क्रेजी ने न्यू जुगाड़ निकाला है पेन का, जो रिटर्न रखने का। ऐसा नहीं दीदी, हम भी देखते हैं पूरा व्लॉग, पर कमेंट नहीं करते तो क्या हुआ। प्रतीका चौहान, हाँ गाइस थैंक यू सो मच, आप देखते हो सपोर्ट करते हो उसके लिए। और बट कमेंट किया करो, कमेंट करते नहीं तो क्या हुआ, बट कमेंट किया करो। बता, कमेंट करते हो ना तो हम लोग उस प्रोफाइल को बार बार देखते हैं, तो हम लोगों के माइंड में सेट हो जाता है कि ये तो फुल सपोर्ट करते हैं, डेली व्लॉग भी देखते हैं और कमेंट भी। कमेंट करते हो ना तो हम लोगों को ऐसा लग जाता है हाँ ये है, ये आज का व्लॉग देख लिया है। मतलब कैसे बोलूँ, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। देखो इसमें रखेंगे हम लोग, ताकि इसमें पानी चलेगा तो अच्छे के अच्छे रहेंगे, हमारे पेन का जो खराब ना हो। क्या करेंगे गाइस, हमारे पास नहीं है, इसको एक दो चाटे लगाने पड़ेंगे, वो ज्यादा होशियारी आती है। तो हमारा होने दे, सॉरी। तो हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब फ्रीज था बट उसको ना हमने सेल आउट कर दिया। और हाँ, आप लोग इस बात को भी बहुत ज्यादा माइंड मत करना, क्रेजी ने बार बार ये बोला हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सिर्फ फन है। मतलब हम लोग ऐसे मस्ती
ऑफ कैमरे में भी करते रहते हैं क्योंकि आप लोग सीरियस ले लेते हो कि ऐसा बोला वैसा बोला। और इसको अभी मुझे 10,992 रुपए देना है। इसके आते हैं मुझ पे और मैं मुझे देना है नहीं देना है वो तो मैंने डिसाइड करना है या डुबा देना तो है इसके पैसे क्यों करना है या इसके पैसे डुबा देना है वो मेरी इच्छा है क्योंकि डुबाने की नियत तो है ही नहीं इसका मामला है ना। तो हाँ कहाँ थे हम, फ्रिज सेल आउट कर दिया बिकॉज देखो फल फ्रूट हम लाते नहीं है क्योंकि हम खाते नहीं है। खराब खराब हो जाते हैं कभी कभी मैं ले आती हूँ बट खाते खा नहीं पाते। उसके अलावा सब्जी तो सब्जी सिर्फ इसे पसंद है तो बहुत कम हरी सब्जी बनती तो इतनी सब्जी उसमें रहती नहीं थी। और रही बात दूध वगैरह पीने की तो हम दूध कच्चा पीते थे मतलब जैसे दुकान से पैकेट लाओ फ्रिज वाला और डायरेक्ट तोड़ो और पी जाओ क्योंकि ठंडा है ना पी पाता है इंसान। जो उबाल लेते ना फिर उसमें से स्मेल आती है और वो मेरे से तो बिल्कुल नहीं। क्यों दूध पीना पसंद ही नहीं है बट पीते थे, पीते बीच थे बीच हेल्थ के लिए जबरदस्ती एकदम कोल्ड वाला पीते थे ताकि वो उसकी स्मेल भी ना आए और ठंडा ठंडा रहता था तो पी लेते और थे। उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या रखा रहता था चॉकलेट्स। तो फिर हमने सोचा कि उसको रख के तो मतलब है नहीं तो एक भैया को नीड थी तो उन्हें चाहिए था तो हमने उसको सेल कर दिया। और यहाँ जगह भी बहुत कम रहती थी ये भी मेन रीजन है। वैसे अभी गर्मी अच्छी स्टार्ट होगी फिर ले लेंगे ना। नहीं प्लीज मस्का मत लगा दूर हो जा। तो अभी उसका हमने देसी जुगाड़ देसी का माइंड डेवलप करना तो मेरे बाय हाथ का खेल है। सॉरी बाय कौन सा है तो पहले डिसाइड कर ले जब तक मुझे बोलने दे। तो हमने देसी जुगाड़ किया है ज्यादा सामान तो कुछ रहता नहीं है ये खजूरी है हमारे पास बाकी तो हम गरीब है तो ये खजूर है ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। हम गरीब है हमारे पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं ओनली फॉर फन नहीं फन के लिए हाँ व्लॉगिंग करते बोलेंगे बोलेंगे ना बोलेंगे 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 तो खजूरी है हमारे पास तो खजूर खराब ना हो फूलन नहीं लगे इसलिए हमने ये आइडिया लगाया है कि कूलर का पानी ऊपर जाता है रात भर और नीचे आता है तो उसमें अगर हम रख देते हैं कुछ चीज तो वो ठंडी ठंडी हो जाएगी। तो ये मैंने कोई जवाब चुकी है तो ये मैंने जुगाड़ पता है कहाँ से सीखा। देखो मेरे एक फ्रेंड गांव में है तो मेरा उसके यहाँ जाना हुआ था उसके यहाँ कूलर था फ्रिज नहीं था तो दूध और सब्जी ये सारी चीज़ें वो है ना कूलर में रख देते थे उनका बड़ा कूलर था तो उसमें रख देते थे तो सुबह तक अच्छा रहता था। तो मेरे मुझे आइडिया आया कि हाँ अपन भी रख सकते देसी जुगाड़। किस किस क्या फ्रिज में कुछ कुछ चीज़ें रख देते बताओ ठंडा भी लाओ तो रख दो। ज़्यादा बकवास हो गई क्या। चलो चलो ये जो नीचे का स्टाइल है नाड़ा का जा रहा है ए? गजब बेइज्जती है। और ये सफेद सफेद तेको नजर लगती है क्या नजर की टीके है क्या। आज मेरा कूलर भी ठीक हो चुका है हमने उसका पंप ठीक करवा लिया। अब क्रेजी के भाषण अभी शुरू होते हैं। वन देखो टू बस स्टार्ट हो गया थ्री गिनने की जरूरत। देखो देखो गाइस देखो देखो गाइस देखो 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 बोलो बोलो बको 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 देखो बोल लें दे मेरे को सुनो गाइस सुनो बोला सो जाओ गाइस सो जाओ बोला डिस्टर्ब मत करना गाइस। तो है ना देखो हमारे पास छोटा कूलर है बड़ा कूलर नहीं है छोटे कूलर में ही हो भी जाता है अच्छा। बड़े कूलर की जरूरत नहीं है सही बात अब सही है तू जब बोलती तो अच्छा हुआ कड़ा लग गया बच्चा ना अंगूठे में कड़ा है ही नहीं मेरे पास मेरा कड़ा लग गया ऐसा। देखो है ना ये कूलर छोटा है और इसमें ना वायरिंग की फॉल्ट होती अच्छा। रहती है तू बोल ले अच्छा अच्छा कर ले पहले फिर मैंने कर लेना व्लॉगिंग। देखो बोलना हो तो बोल दे तो निकल मेरा मुंह है मैं कुछ भी बोलूं चुप रहूं या बोलूं। तो मेन बात ये है मेन टॉपिक पे आते हैं कूलर छोटा है
उसमें पानी उतना ही आता है। चुप हो जा नशेड़ी, चुप हो जा, चुप मत यार। पहले मेरे को नींद आ रही है और मैं थक गई। तो मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मुझे कल करने देना है तो कम व्लॉगिंग ये बता, नहीं तो फिर तू कर। हां अब मैं कहीं नहीं बोल रही, अब एडिटिंग भी कर देना, अपलोडिंग भी कर देना। तो है ना गाइस, उसमें पानी इतना आता नहीं है, बाल्टी आता है, सुबह तक वो पूरता नहीं है। तो इसको मैंने बोला है कि पानी या तो फुल भरो सुबह तक पूरे, या तो फिर पानी खत्म हो जाए उसका ध्यान रखो। नहीं मैडम को तो गर्मी होना ही नहीं, मैडम को तो एकदम कूल कूल चाहिए रहता है। तो मैडम कूलर बंद नहीं करती है और पानी डालने की भी आलसी, तो जो पंप है ना वो खाली चलता है, खाली चलता है तो वो खराब हो जाता है। अब आज ही मैंने पंप बदलवाया है, बंदा यहाँ तक आता है पंप बदलता है, तो ऐसे कब तक करेंगे? पिछली बार भी इतनी बारिश ने कूलर खराब किया था ना, ये मेरा दुखड़ा है। आप सब इस चीज़ पे फैसला सुनाओ कि गलत कौन है, गलत है ना ये चीज़। हवा खाना है तो कूलर का ध्यान भी रखना पड़ेगा, बार बार कौन सुधरवाया करेगा? नहीं बस हवा खा लो हो गया। बैठी तो इतनी सीधी है ऐसा लग रहा होगा लोगों को देख के कि ये तो बहुत भोली है, कहीं कर ही नहीं सकती ऐसे कान। तो लगा ली दवाई, चलो सो। और क्या हो गई आज की बुराई तेरी? आज के बाद मैं कूलर को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, पानी भी डालना और सब करना। नहीं तो उधर रख देना, जरूरत चीज क्या है हवा खाने के लिए, वो वहां रख दे। मैं भी चली जाती हूँ उसके साथ, वहां बाहर कहीं भी। बाहर तो नहीं जा रहा कूलर, यहाँ रखाएगा। हाँ तो सो जाना, कहीं दिक्कत तो नहीं ना? देखो तो कहीं में दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे को कहीं में दिक्कत है, मेरे को बस कूलर नहीं खराब होना चाहिए बस, आगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे काले काले गाल तुरुरु तुरुरु, क्या ये लोमड़ी जैसी चाले, बुरा है मेरा हाल। चलो हो गई बकवास बहुत ज्यादा, गुड नाइट करते हैं। मेरी आंखें कैसे दिख रही थी, नशेड़ी जैसी एकदम। तो गाइस फैसला जरूर सुनाना। और दूसरी चीज, आप लोगों ने किस किस ने प्रैंक वीडियो, फर्स्ट प्रैंक वीडियो देख लिया है वो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चल जाए किस किस ने देखा है। और प्लीज आप लोगों न्यू चैनल है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ प्लीज मेरे लिए, तो आप शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेकेंड वीडियो बहुत जल्द मंडे आने वाला है। आज क्या है, फ्राइडे है ना, और मंडे न्यू वीडियो, तो वो बहुत अलग लुक वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट मंडे और भी अच्छी चीज आएगी, तो जब तक आप चैनल फटाफट इधर उधर फैला दो। और हाँ गाइस, या जो भी बातें थी ना उसमें सच्चाई कुछ नहीं थी। देखो मुझे लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं कूलर चलाती हूँ, और उसमें पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं बार बार रात को उठ के पानी तो नहीं उसमें डाल सकती ना, इंसान सोएगा ना। और बिना पंखे बिना कूलर से नींद नहीं आती, सुबह मुझे जाके काम भी करना पड़ता है। अच्छा। घर भी आके काम करना पड़ता है, तो मैं नींद भी नहीं लूँ क्या? कूलर को ही जला दो ठीक से, कूलर सही 50 रुपए का पेट्रोल लाओ उसपे डाल दो, कूलर दूसरा लेना चाहिए ना, कि भाई अब दूसरा ले लेते हैं, मटका भी लेना है, मटका भी नहीं अभी तक दूसरा लिया, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ऐसी में बातें बोलू ना तो बहुत सारी है, पर मैं सोचती अपने घर के ढकना चाहिए ना कि खोलना चाहिए, तो क्रेजी ने तो आज हद कर दी मेरे बारे में सब बता बता के। बस कर ले, बिचक गई है छोड़ी आज तो, बस कर ले है ना। तो चलो गाइस, ये तो मजाक था, और हम लोग ऐसे फन करते रहते हैं ऑफ कैमरा, तो इससे ज्यादा मस्ती करते हैं, आप लोग सीरियस ना लो। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बहुत सारा शेयर कर दो। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।